हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आप सभी का इजी कुकिंग विद शालू में आज एक और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ लेकिन बहुत फेमस बिहार की बहुत फेमस डिश है घाटी और चोखा मतलब कोई कोई लिट्टी चोखा बोलता है बाटी चोखा बोलता है तो सबसे पहले मैंने यहाँ दो थोड़े से बड़े साइज़ के बैंगन ले लिए हैं एक बड़े साइज़ का टमाटर और दो आलू मीडियम साइज़ के इन्हें अच्छे से भूनना है सब कुछ मैं भून रही हूँ आप चाहें तो बॉयल्ड आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं बॉइल्ड बैंगन और बॉयल्ड टमेटो भी बॉयल में उतना टेस्ट नहीं आता लेकिन जल्दी के लिए आप कर सकते हैं तो अच्छे से भून रही हूँ मैंने कट लगा लिए हल्का सा ऑयल लगा लिया अंदर लहसन लगाया है बैंगन के तो यहाँ पे अच्छे से भूनने के बाद में मैंने इनको निकाल लिया है अब हल्का सा ठंडा हो जाए तो इन्हें छील लेना है अच्छे से इनका छिक्कल उतार लेना है ईज़िली जैसे आप, आप तुरंत आग से उतार के हल्का सा पानी में डाल दीजिए तो जल्दी छिक्कल उतर जाता है इसके बाद सारे बैंगनों को अंदर से चेक कर लेना है सब कुछ अच्छे से अच्छे से गल जाना चाहिए तब तक हमें भूनना है इसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक स्वाद थोड़ा सा तेल तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोखा नहीं बना रही हूँ तीन से चार लोगों के लिए बना रही हूँ मीडियम साइज का एक बारीक चॉप प्याज थोड़े से ये जो सूखे लाल मिर्च का अचार पड़ता है इस तरफ उसको मैंने आधा डाला है थोड़ा बड़ा था और जो है हल्का तीन से चार कलियाँ लहसुन की बारीक कटी हुई और डाल दी मैंने और इसके अंदर भी लहसुन था और यहाँ पे आप अदरक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं हरा धनिया भी डाल सकते हैं मेरे पास नॉट अवेलेबल था इसलिए नहीं डाला मैंने यहाँ पे चोखा को अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पे तैयार है आप मैशर की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं वैसे हाथ सबसे अच्छा होता है आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ घाटी के लिए तो आटे को क्या है कि थोड़ा सा दस से बारह मिनट का अगर आप रेस्ट दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है आटा लगा के रख दिया है यहाँ पे मैंने एक कप लिया है सत्तू ये घाटी के अंदर का फिलिंग होता है उसमें आधा लाल मिर्च सूखा अचार वाला जो मैंने चोखे में डाला था आधा आधा इसमें मैं मिला रही हूँ तो इसमें जो है आधा लाल मिर्च मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक लाल मिर्च के अचार में भी नमक होता है इसलिए ध्यान से डालिएगा और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हाफ टी स्पून के जितना मैंने डाला है मगरेल और अजवाइन और यहाँ पे चार से पांच लहसुन बारीक कटे हुए इसमें भी डाले हैं इसमें भी आप बारीक चॉप अदरक और जो है हरी मिर्च डालिए मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने डाल पाई और एक मीडियम साइज़ का बारीक चॉप प्याज डाला है घाटी भी मैं यहाँ पे लगभग लग दस से बारह ही बनाऊंगी तो इसलिए मैंने जो है उसी हिसाब से फिलिंग तैयार की है आराम से इतने इसमें मतलब इतने मिक्सचर में आराम से बारह से पंद्रह घाटियाँ बन सकती हैं वो भी अच्छे से भरी हुई अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है सरसों का तेल भी ज़रूर डालेगा इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी पड़ेगा अब जो आटा लगाया था उसके छोटे लोए काट ली जितना हम रोटी बनाते हैं उतना ही लोए लिया है और उसको थोड़ा सा हाथ से फैला के अब उसमें फिलिंग भरनी है एक से डेढ़ एक से डेढ़ चम्मच बहुत है एक चम्मच बहुत है फिलिंग को भरना है इस तरह से और इस तरह से जो है उसको अच्छे से पैक करना है जैसे हम आलू का पराठा पैक करते हैं ना बनाते बनाने के लिए आलू का मिक्सचर डाल के उसको पैक करते हैं जैसे मोमोज वगैरह हम लोग फिलिंग अंदर से पैक करते हैं लेकिन मोमोज थोड़ा पतले होते हैं ये थोड़ा सा मोटा होगा अच्छे से पैक कर देना है कहीं से भी खुला हुआ ना रहे एक रोटी के बराबर लोहे लेना है आपको छोटा नहीं लेना अच्छे से जो है एकदम से पैक करके इसको हल्का सा ऐसे दबा देना है पानी मैंने बॉईल करने रख दिया था हल्का सा नमक डाल के उसमें हम सारे ये जो लिट्टी और घाटी बना रहे हैं इनको डालते जाएंगे लेकिन जब पानी बॉइलिंग स्टेज पर आ जाए तब और इस तरह से जब आप डालेंगे तो जब ये जो है छः से सात मिनट में अपने आप ऊपर की तरफ तैरने लगेंगे तो समझ जाइएगा अच्छे से बॉयल हो गए हैं पक गए हैं आप इनको इस तरह से बॉईल करके आंच पर सेक सकते हैं जो गैस का आंच होता है या चूल्हे पर बना रहे हैं किस पे बना रहे हैं आप ऐसे आंच पे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए और उसको अलटते पलटते अच्छे से सेक लीजिए मैं यहाँ पे फ्राई करके बना रही हूँ तो यहाँ पे जो है मैंने तेल भी रख दिया था साथ में जो जो मेरा पानी में बॉयल होता जा रहा था अच्छे से उसको निकाल के और उसके बाद मैं उसको तेल में फ्राई करती जा रही थी आ, हमारा तेल अच्छा सा गर्म होना चाहिए मीडियम हाई पे हॉट हॉट होना चाहिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पे उसी में आप आराम आराम से क्योंकि जो लिट्टी है हमारी घाटी है उनमें पानी है इसलिए बहुत आराम से डालना है और इस तरह से हल्का हल्का ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेना है बॉयल अच्छे से कर लीजिएगा आधे से ज़्यादा उसी में पक जानी चाहिए क्योंकि कच्चा आटा नहीं रहना चाहिए और आप उसको आंच पर भी सेकें तो एक जाली स्टैंड जिस पर मैं बैंगन वगैरह रोस्ट कर रही थी उसी जाली स्टैंड पे हल्की मीडियम फ्लेम करके उस पर हमें बाटियों को रखते जाना है और थोड़ा थोड़ा अलटते पलटते सेकना है वो भी बहुत टेस्टी लगती है उस तरह से भी मैंने बनाई भी है मेरी चैनल पर देखिएगा और भी बनाऊँगी आगे मेरे चैनल पर चेक करिएगा मैंने और भी बाटियाँ बनाई हैं इस तरह से जो है हमारी बाटियाँ लिट्टियाँ घाटियाँ जो आप कह सकते हैं वो भी तैयार हैं वो भी फिलिंग के साथ और बहुत ही टेस्टी सा हमारा बैंगन का भरता तैयार है आप सलाद वगैरह ले सकते हैं अचार वग़ैरह ले सकते हैं सर्व कीजिए गर्मा गर्म और इस तरह से जो है आप लोग भी ज़रूर बना के देखिएगा अगर आपका सेम ऐसा बनता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा बिहार की बहुत फेमस